वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इतनी रिक्वेस्ट थी ना श्रक लेके आओ शक लेके आओ आ गई हूँ मैं मीशो श्रख्स के साथ वो भी पूरे के पूरे सेवनटीन चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक टू माय चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं हूँ आप और आपने फटाफट से मीशो का टाइटल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है मैं जान सकती हूँ ये बात बहुत अच्छे से और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी श्रग श्रग आपने श्रक भूल गए आप, आपको श्रग करना चाहिए ओ गॉड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास तो सच में मेरी जिंदगी में एक लौता श्रक है वो है ये जो मैंने दुबई में बनाया था मैं तो कोई श्रग्स मंगवाया ही नहीं ऐसे मेरे पास तो श्रग्स ही नहीं हैं तो मैं सोचा क्यों ना मंगवाया जाए फिर मैंने गोता मारा मीशो श्रक्स पे और मुझे इतनी हीज वैरायटी मिली हमेशा की मेरी ये कहानी होती है कि मैंने 18 चीज़ें ऑर्डर कर दी उसमें श्रक्स के पोंचू जो जो मुझे मिला मैंने वो सब ऑर्डर कर दिया 17 आ चुके हैं एक अभी नहीं आया है जो नहीं आया है वो बहुत ही सुंदर है मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस डांस वीडियोस में वो बहुत काम आने वाला है उसके जैसा एक शायद मुझे मिल गया है तो जब मैं वो दिखा रही हूँ तो वाले एक्सप्लेन कर दूँगी मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली वीडियो के लिए क्योंकि भाई ये मीशो शख्स की वीडियो है मैं क्यों एक्साइटेड ना हूँ आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हो तो ऐसे ही मुझे सजेस्ट करते रहना और देखो मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और अभी मेरे वन मिलियन होने वाले हैं धक 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 भी हो रही है एक्साइटमेंट भी हो रही है और बहुत नर्वस भी हूँ इस बात को लेके कि नर्वस नहीं दुखी हूँ इस बात को लेके कि मेरा बहुत मन था कि मैं अभी वो वीडियो बनाऊँ सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते हैं रियल टाइम रियल लाइफ काउंट होता है सब्सक्राइबर्स का और मैंने अपने घर की हर एक डिवाइस पॉसिबल जिसमें हो सकता है लॉग इन यूट्यूब स्टूडियो करके देख लिया मेरे में लाइव काउंट शो ही नहीं हो रहा है तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी वो वाली वीडियो तो ये था मेरी कहानी ज़िंदगी का दुख पनौती जो मेरे साथ चलती है हे बोले नाथ सावन का महीना चल रहा है कुछ तो कृपा बरसाओ कि ऐसा मेरे साथ ना हो मैं मेहनत पूरी करती हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे मैल का फल नहीं मिलता है मिलता है लेकिन बीच में इतनी ज़्यादा अड़चने बाधाएँ आती हैं तो जितने भी मेरे घर वाले मेरे क्लोज फ्रेंड्स मेरे नोन्स मेरे अपने लोग हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ चलो एनीमेज हमेशा अपनी हॉल में मैं अपनी दुखद गाथा या अपनी लाइफ अपडेट दे ही देती हूँ तो चलो बिना किसी बकबक के जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी है स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ अपना पहला मीशो का श्रग पहला जो हमारा श्रग है ना वो तीन सौ का है पिक्चर में देख सकते हो इस श्रग का नाम है वाटरफॉल श्रग इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे लेकिन मैंने चूज़ किया ग्रे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुन्नी का बना हुआ श्रग है सच बताऊं तो अब देखती हूँ कि तीन सौ रुपए के हिसाब से वर्थ इट है भी या नहीं भाई बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है मैंने चुन्नी हाथ में पकड़ी हुई है ये वो श्रग है और बहुत सुन पा रहे हो आवाज कैसी सी आ रही है जैसा पिक्चर में दिखाया था ये वैसा सा लग भी रहा है या नहीं लग रहा मुझे नहीं पता है बैक से आप देख सकते हैं ऐसी राउंड सी शेप है मैंने साइज़ मंगवाया है स्मॉल और अभी तक तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा समझ नहीं आया है सिलाई वग़ैरह ठीक हुई हुई है बहुत फ़ाइन है देखो आप सिलाई देख सकते हो सिलाई वग़ैरह थोड़ी ठीक हो रखी है इसकी स्टिचिंग ठीक है ब्रांडिंग भी हो रखी है साइज़ मैंने स्मॉल मंगवाया है मटेरियल भी ओकेश है बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा है ठीक लग रहा है चुन्नी वाला ही मटीरियल लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पतला वाला नहीं है पहन के देखती हूँ कैसा लग रहा है मतलब तीन सौ का वर्थ इट है या नहीं है मैं ये ट्राई करती हूँ तो मैंने अभी पहना है क्या जीन्स और टॉप पहना है ये भी मैंने एक श्रख सा पहना हुआ ये आजकल ये क्रोशिया बहुत बहुत ज़्यादा इन है लड़के क्या लड़कियाँ क्या मतलब ये यूनिसेक्स है ये वाला तो ऑब्वियसली लड़कियों का नहीं क्रोशिया वाला चीज़ यूनिसेक्स है लड़के शर्ट्स पहन रहे हैं टी शर्ट्स पहन रहे हैं तो ये वाला जो एक आप कह सकते हो श्रक काइंड ऑफ येस में ये पूरे ऐसे बटन लगे हुए हैं ये मुझे इंस्टाग्राम के पेज का है तो मैं हो सका तो वो पेज भी टैग कर दूंगी और मुझे बहुत सुंदर लगा बहुत बबली से इसके कलर्स हैं बहुत प्यारा लग रहा है ये तो बस मैंने अंदर टॉप और एक जीन्स तो पहनी इसके ऊपर सारे शक आपको पहन पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है तो पहले ये वाला पहन के दिखाती हूँ गाइज ये वाटरफॉल शक मुझे ज़्यादा कुछ समझ तो आ नहीं रहा मुझे लग रहा है कि मैंने एक साइज़ स्मॉल थोड़ा छोटा मंगवा लिया अब देखो मैं ऐसे करूंगी तो ये यहाँ से कितना ज़्यादा टाइट हो रहा है मुझे तो ये स्मॉल साइज मुझे छोटा है बाकी आप देख सकते हो ये पूरा ऐसे आएगा भी नहीं ये ऐसे ही पड़ा रहेगा ठीक है जस्ट लगेगा आपकी स्लीव स्लीव्स कवर हुई हैं इसमें और ये पीछे से काफ़ी लंबा है आप देख सकते हो पीछे से इतना लंबा है और फ्रंट से ऐसे ये साइड से छोटा होता जाएगा और फ्रंट ये इतना है ये कुछ इस शेप का है साइज़ छोटा है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मतलब क्या कैसा ये रहेगा साइज़ अगर मैंने एम मंगवाया होता तो मुझे ठीक आता बाकी तीन सौ के हिसाब से मुझे तो महंगा लग रहा है अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप इसको देख सकते हो मेरे हिसाब से ये थोड़ा महंगा है चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ फिर से माइक लगाना भूल गया अब भी मैंने पूरा श्रक को अनपैक किया है ये वाला श्रग ये है आप पिक्चर में देख सकते हो फोर सिक्सटी टू रुपीज़ का श्रग है पिक्चर में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखो ना कितना प्यारा जबरा प्रिंट है मुझे लगा वैसा ही आएगा लेकिन जब मैंने इसको खोला ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा 462 आप बोल सकते हो राउंड फिगर में तो मैं इसको बोल दूंगी कि हाँ चलो पाँच सौ के आसपास का है साढ़े चार सौ पाँच सौ का ये श्रग है लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है क्लोथ का मटेरियल ही उतना अच्छा नहीं है फ्रंट में सेम चीज़ है राउंड नेक के यहाँ बंदेगा लेकिन आपने इसमें देखा ये ये क्या लटका दिया इन्होंने गोल्डन गोल्डन जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है नीचे आप देख सकते हो घेर मिलेगा आपको पूरा जैसा उस दिया हुआ है पहली एक सिलाई फिर दूसरी सिलाई मतलब अच्छा खासा फ्लेट नीचे से है लेकिन उतना ना मज़ा ही नहीं आ रहा क्योंकि कपड़े में ना वो बात ही नहीं है जैसा उस पिक्चर में इस लड़की ने श्रग पहना ना उसका ये पूरा का पूरा रेप्लीकेट किया हुआ है उसका फर्स्ट कॉपी श्रग है अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है अब आई डोंट नो ये पहन के बहुत सुंदर लग भी सकता है तो उसको वियर करके आती हूँ तभी कुछ बताती हूँ वैसे तो लाइक बहुत महंगा है इसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट ओ वैगा क्या आती हूँ गाइज ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मतलब पता चल रहा है कि चीप सा है बाकी आप इसका लुक देख सकते हो पूरा रेप्लीकेट करने की कोशिश की है नीचे का आप इसके फ्लेयर से देख सकते हो कितना फ्लेयर्ड है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहीं से भी पता नहीं क्यों शायद आपको ऐसे वीडियो में ना पता चल रहा हो लेकिन लाइक सामने से देखने में ना उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है जो पिक्चर में दिखाया था ना ये वो नहीं है इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए था अगर ये होता ना ऐसे ही 200 220 बस तब ये वर्थ इट था बाकी उस रेट के हिसाब से ये नो फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस जो मैंने भी बोला था ना मैंने दो ऐसी चीज़ मंगवाई है जो बहुत डिफरेंट और मेरी वीडियोज़ में काम आएंगी वो दोनों ही पोंचू स्टाइल की चीज़ें हैं एक तो ये गोल्डन कलर का है जो मुझे रिसीव हो गया पिक्चर में देख सकते हो दूसरा जो है वो एक सिल्वर कलर का है एलिगेंट हैंड वर्क वुमेंस पोचू आप यहाँ देख सकते हो वो ये सिल्वर कलर का है ये सिल्वर कलर वाला ग्यारह सौ चालीस रुपये का है ये मुझे नहीं मिला है जिस दिन भी मुझे ये मिलेगा मैं अगर तब तक मिल गया है, जब तक तो व्लॉग लाइव नहीं होता तो मैं यहाँ वीडियो चला दूंगी नहीं तो इसके लिए मैं अलग से शॉर्ट्स ज़रूर निकालूंगी क्योंकि ये देखने में बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है चलो वापस आते हैं हम इस गोल्डन वाले के ऊपर ये गोल्डन वाला पाँच सौ रुपये का है आप देखो ये गोल्डन वाला पाँच सौ का सिल्वर वाला काफ़ी ज़्यादा महंगा था लेकिन मैंने फिर भी मंगवाया क्योंकि वो मुझे चाहिए है उस तरीके का एक और आर्टिकल एक और पीस मेरे पास है जो मैंने झांसी से ओ, मैंने लखनऊ से ख़रीदा था उसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है लेकिन मुझे पता है वो कभी ना कभी मेरी वीडियोज़ में बहुत सुंदर यूज़ हो जाएगा मैं वो भी आपको भी दिखाती हूँ बात की जाए इस गोल्डन वाले की तो पाँच सौ रुपये का ये है बहुत प्यारा मोतियों वाला वर्क हुआ हुआ है और जैसे इस लड़की ने अंदर पैगड़ी टॉप पहना है मैंने वही पहना है आप उसको ऊपर ऐसे डाल के पहन सकते हो अब मैं आपको दिखाती हूँ है कैसा नेट के ऊपर पूरा ऐसे मोती वाला वर्क हुआ हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है क्योंकि बहुत फ़ाइन जैसे हैंड वर्क होता है ना पास से देखो पूरा मोतियों का अच्छे से हैवी काम हुआ हुआ है आप नीचे भी देख सकते हो ये पूरा ऐसे घेरा है और आपको इसमें कुछ नहीं करना है आगे से खुलेगा ये ठीक है अब आप चाहो तो इसको ओप्स वो ऐसे करके ऐसे पहन सकते हो और ये ऐसे फ्रंट गिरा रहेगा और इसको आप पीछे भी कर सकते हो बंदे हुए को आप पीछे भी पहन सकते हो कि ये कट जो है ये पीछे दिखे अब आपने वो वाला गाना सुना है जैस्मिन सैंडल्स का पटलो पटाके पटाखे वर्गी आप पता नहीं सुना है कि नहीं सुना उसमें वो कुछ ऐसा पहनती है ना मरून सा ये बिल्कुल वैसा सा ही मुझे लग रहा था मैंने ये मंगवाया ही इसलिए था कि यार ये मंगा के मैं वो वीडियो बना सकती हूँ ये बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ही डिफरेंट बचपन में ऐसे पूँचू वगैरह मैंने तो बहुत पहने आपने अपने बचपन में ऐसे पोंचू वगैरह पहने हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अब ऐसे भी पुराना फ़ैशन लौट लौट के आ रहा है सब कुछ बेल बॉटम जीन्स एंड ऑल तो ये भी बहुत पुराना ही स्टाइल ऑफ फैशन है पोंचू वाला इसको भी वे करके दिखा रही हूँ आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लग रहा है वरना ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा चलो वेयर करके दिखाती हो अब आप देख सकते हो कि पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है आप किसी के ऊपर भी मतलब ऐसे चीज़ के ऊपर पहन के उसका पूरा लुक बदल सकते हो आप बैक से भी देखो और कहीं से मुझे चुप नहीं रहा है बहुत फ़ाइन इसमें वर्क हुआ हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू दी प्राइस बहुत वर्थ इट वर्थ इट लग रहा है तो थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो है वो है ट्रेंडी कॉटन फ्लोरल प्रिंटेड लॉन्ग केप ये फोर सिक्सटी टू रुपीज़ की है ये भी लेकिन कॉटन के तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है कॉलर वाली है जिस तरीके से उस लड़की ने पहना हुआ है जीन्स और टॉप के ऊपर इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है लेकिन मुझे ये मेहंदी ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको साइज़ स्मॉल में मंगवाया है ठीक है आप देखते हैं कि कैसा रहता है ये हाँ इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरी नेल पेंट इस पर पे कितनी कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है अब आपको दिखाती हूँ ये केप है ठीक है ये इसकी स्लीव्स हैं और आगे ऐसे बांधने के लिए दिया हुआ है ठीक है कॉलर है और पूरा का पूरा बटन है इसमें पूरे बटन है आप चाहो तो पूरा बंद करके भी पहन सकते हो यार ये पूरी कुर्ती लगेगी अगर आप उसको पूरा बंद करके पहनो तो और इसको खोल के पहन लोगे तो ये आपका श्रग केप आप जो बोल सकते हो ये वो है लेकिन यार ये है जैसे मैं फ़ोर सिक्सटी रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट अब पहन के और देखती हूँ कैसा लग रहा है नहीं तो वो श्रग फोर सिक्सटी के रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे मजा ही नहीं आया था जो मैंने इससे पहले दिखाया ये बहुत सुंदर लग रहा है बहुत सुंदर मैं इसको वीआ करके आती हूँ गाइस सी इसको पूरा बंद करके भी पहन सकते हो पूरा कुर्ती लुक वाला स्टाइल है इसका केप की पूरा आपने बंद करके कोई कॉलर वाली कुर्ती पहनी है नहीं तो आप इसको ऐसे शक की तरह भी पहन सकते हो जैसे मैंने अभी जीन्स टैंक टॉप के ऊपर टैंक टॉप के ऊपर इसको पहना है स्लीव्स आप देख सकते हो कि ये ऐसे ओपन है ठीक है और मैंने इसको लाइक बंद करके ऐसा बांध लिया आप जैसा चाहो वैसा बांध सकते हो कॉटन मटेरियल है बहुत सॉफ़्ट है कलर प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप कुछ इस स्टाइल का चाहते हो कि कॉलर में श्रग टाइप का मिल जाए तो ये लाइक टोटली वर्थ इट है जैसा दिखाया है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा पीछे से भी आप देख सकते हो इसका पूरा लुक फिट और ये मेरा स्मॉल साइज का मुझे बिल्कुल परफेक्टली फ़िट आ रहा है मैं बंद करके पूरा कुर्ती की तरह भी पहन सकती हूँ और बहुत लॉन्ग है आप ये चीज़ देखो ना मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये मुझे पूरा लॉन्ग आ रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मेरी तरफ से तो थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ ये है वो जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने लखनऊ से लिया है जरा आप देखो ये भी एक पोंचू स्टाइल का है ठीक है बहुत सुंदर है ये और ये मैंने अपनी वीडियोस के लिए लिया था और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था आई गेस ये मुझे ढाई तीन हजार रुपये का पड़ा था इतने का था लेकिन मैंने इसको ले लिया था कि कुछ भी पहनो और आपने इसको ऊपर से ऐसे डाल लिया है फिर आप वीडियोस बना रहे हो बहुत सुंदर वीडियोस बनेंगी और जब मैंने वही वाला पट पत... जो भी वो गाना था पटलो पटलो पटाके वर्गी मेरे को पंजाबी इतनी अच्छी आती नहीं है वैसा सेम जैसमिन सैंडल्स ने ऐसे ऐसे ही कुछ उसमें पहना हुआ है तो मैंने इसको रख रखा है देखो अब मैं कब इसको पहन पाती हूँ रील्स वगैरह में अब जब पहनूँगी तब आप समझ जाओगे कि कहाँ से क्या लिया था कैसा मेरा कलेक्शन है चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ इसको तमीज़ से वापस रखती हूँ नेक्स्ट जो हमारा श्रग और केप है वो है ब्लू एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट ये रेऑन मटेरियल का है चार सौ तेरह रुपये का है इसमें तीन कलर के ऑप्शंस थे मैंने ये ब्लूइश कलर का लिया था या ये केप वग़ैरह ना ऑफ़िस के लिए भी बहुत परफेक्ट रहते हैं क्या आपने लाइक जीन्स टॉप पहना है उसके ऊपर इसको वियर कर लिया स्मार्ट भी बहुत लगते हैं और दोबारा ट्रेंड में वापस भी आ गए हैं देखो कितना प्यारा ब्लू और पिंक कलर है इसका सी थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मैंने स्मॉल साइज का मंगवाया बस साइज छोटा ना हो और इसमें फ्रंट में आपको ये पिंक कलर की डोरी मिल जाएगी कि आप इसको फ्रंट में चाहो तो ऐसे बीच में से बांध भी सकते हो साइड में आपको कट भी मिल जाएगा जैसे बिल्कुल कुर्ते का कट होता है ना वैसा आपको कट मिलेगा पूरा का पूरा कवर्ड श्रग नहीं मिलेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है लाइक यहाँ से कट देख सकते हो ऐसा है वीआ क्या आती हूँ वैसे तो कलर कॉम्बो मटेरियल अकॉर्डिंग टू तो द तो प्राइज इज थम्स अप है बाकी विया करके और अच्छे से डिटेल्स में बताती हूँ सी गाइज अकॉर्डिंग टू द प्राइज का कलर कॉम्बिनेशन मटीरियल फिट क्वालिटी मतलब ओवरऑल मुझे ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है काफ़ी सुंदर लग रहा है आप देख सकते हो यहाँ से जो ये कट है ये कहाँ बहुत हाई स्टार्ट हो जाते हैं तब ये कट आते हैं और फ्रंट में जो ये है ये पूरा लाइक खींचने वाला मैंने आपको बताया आपको जितना टाइट करना आप ऐसे खींच सकते हो नहीं तो आप लूज़ कर सकते हो और ये बहुत सुंदर सुंदर पिंक में ये लटकन लगी हुई है ऐसे फ्रंट ओपन भी आप इसको पहन सकते हो इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं बहुत सॉफ्ट है ये बहुत फिटेड आया है मुझे मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया था बैक से भी आप पूरा देख सकते हो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई शायद आपको आवाज़ आए कलर कॉम्बो इतने प्यारे हैं मेरी तरफ़ से तो थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारा है सर्कुलर शेप केप और जिसको पोंचू भी बोल सकते हैं ये थोड़ा महंगा था सिक्स नाइन्टी रुपीज़ का था लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ऐसा मेरे पास एक पीस है बहुत पुराना एक दो साल पुराना और बचपन में मैंने ऐसे पोंचू बहुत पहने हैं मतलब मुझे बहुत पसंद थे कि पेंसिल फिट जीन्स और ऐसे स्पैगडी के ऊपर ऐसे शर्क पहनना तो ये मैंने उसी चीज़ को सोच के मंगवाया है ये बिल्कुल ऐसा डिश शेप का ऐसा लग रहा है टेबल के ऊपर बिछाने वाले कपड़ा है और बीच में से काट के बस गला बना दिया लिटरली ये वो ही लग रहा है राउंड टेबल मैट देख सकते हो आप ठीक है नीचे पॉम पॉम लेस लगी है फिर फ्लेयर्ड है फिर बीच में ये और ये सबसे बुरा जो लग रहा है ना यार ये शोल्डर पे ये गंदी सी ये लेस क्यों लगा के दिया उन्होंने मुझे नहीं समझ आ रहा और पूरा से थ्रेड वर्क हुआ हुआ है थ्रेड वर्क है पूरा आप पास से देख सकते हो ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है वैसे तो बिल्कुल सेम ही है और कपड़े में से अलग ही भयंकर चंदन जैसी खुशबू आ रही है तो ये है इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर बस ऐसे लो और अपना खोपड़ा निकालो और, और इसको आप ऐसे पहन लो लो इसको तो मैंने आपको यहीं पहन के दिखा दिया ऐसे आप इसको पहन सकते हो और ऐसा रहेगा साइडों से खुला खुला बस ऊपर से पूरा ऐसा कवरी टाइप का हो जाएगा लेकिन मुझे इसका प्रिंट अच्छा नहीं लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे हैं और ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टेबल का राउंड टेबल का कवर हो इसलिए मैं इसको वापस करूँगी और सात सौ रुपए का तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा है मुझे या चलो ये थी इसकी कहानी बाकी काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते भी है ना तो गाई जी अट्ठारह शक सत्रह अट्ठारह शख्स है मैं ऑब्वियसली सारे नहीं रखूँगी जो बेस्ट बेस्ट होते हैं ना मैं वही रखती हूँ तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ इसको तो पहन ही लिया है ये है वुमेन सॉलिड नेट लॉन्ग श्रक साढ़े चार सौ रुपये का इसमें तीन कलर के ऑप्शंस थे मरून ब्लैक एंड पीच मैंने मरून कलर का मंगवाया ये नेट का स्ट्रक है लेकिन फुल स्लीव्स और थो थोड़ा लॉन्ग भी था तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए मैंने श्रक की सारी कैटेगरी कवर की है मीशो की थैंक गॉड जिस चीज़ का डर था वो तो नहीं हुआ मुझे था बहुत खड़खड़ खड़ और चुभने वाला नेट ना है लेकिन इसका नेट काफ़ी सॉफ़्ट आया है और साइज़ मैंने स्मॉल ही मंगवाया है आप ये देख सकते हो ये है श्रग जो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है इसकी स्लीव्स ही काइंड ऑफ बेल स्लीव्स है यस yes, थोड़ी बेल स्लीव्स ही हैं इसकी लेंथ भी अच्छी खासी बड़ी है और इसमें कोई भी कट आउट नहीं है देखो जो साइड में वो कट होता है ना वो नहीं है पूरा जुड़ा हुआ है ये और इसमें जो डोरी दी हुई है ना वो खिंचने वाली है ऐसे खींच के आप जितना टाइट करना चाहो कर सकते हो साइडों से फिर ऐसा लुक आ जाएगा ये श्रंग मुझे ठीक लग रहा है मैं विया करके दिखाती हूँ और रेट के अकॉर्डिंग भी अभी तक तो मुझे सही लग रहा है विया कर के आती हूँ हाँ मैंने ही आपको बोला था कि मटेरियल सॉफ्ट लग रहा है लेकिन पहनने बाद हल्का सा तो चुभ चुभ कर रहा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ये ना मुझे बहुत लूज है अगर आप देखो ना इसके शोल्डर मेरे को यहाँ आ रहे हैं शोल्डर कट शोल्डर से बहुत लूज लग रहा है मुझे गिर रहा है स्मॉल साइज़ ऐसे और ऐसे खींच के नीचे टाइट करके भी पहन रही हूँ तो इसका कट इतना बड़ा है कि ऐसे फॉल हो जा रहा है इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो लेंथ देख सकते हो ऐसे खोल के अगर मैं पहनूँ पूरा ऐसे ढीला करके तो भी आप देखो कि इसके शोल्डर मुझे गिर रहे हैं मतलब थोड़ा सा ना इनके साइजेस की फ़िटिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू है आप बैक से भी देख सकते हो कि कहाँ तक कि इसके लेंथ है कैसा लग रहा है लेकिन मुझे ना उतना ज़्यादा अच्छा लग ही नहीं रहा है गाइस मुझे नहीं उतना मज़ा आ रहा है सो नो फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ स्टाइलिश पार्टी पार्टीवियर फ्री साइज़ वुमेन केप शागेन पोचू दो सौ चालीस का ये है ये भी नेट का ही है शायद हाँ नेट ही है कलर मैंने ब्लू मंगवाया इसमें चार कलर के ऑप्शंस थे इसमें ना नीचे से फ्रेंजेस भी थे तो ब्लू ग्रे वाइट ब्लैक था तो मैंने ब्लू मंगवाया ये स्लीवलेस श्रग है और मुझे ओ ऐसा श्रग है ये ओके लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इन्होंने नेक पे क्यों भाई ये फ्रिंजेस ऐसे दिए हैं देखना यहाँ पे कटिंग ही नहीं की है इन्होंने यहाँ यहाँ तक है फिर इसमें कहाँ तक है सेंट आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ ये इनको काटने चाहिए थे भाई ये नेक पे कितने गंदे चुभेंगे नीचे ये लॉन्ग फ्रिजेज़ हैं नेट बहुत स्मूथ है स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है यार ये शक बनाना कितना सिंपल है मतलब आप एक रेक्टेंगल कपड़ा लो ठीक है और उसमें से ऐसे बीच में दो होल कर दो वहाँ से आप अपने हाथ निकाल लो लो जी बन गया श्रग दो सौ का ये है श्रग रेट के अकॉर्डिंग तो भाई मैं बिल्कुल बुराई उतनी नहीं करूँगी बस ये है कि आप घर पे इनको खुद काट लेना और अगर ये 400-500 सौ को होता तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती मैं आपको चलो वै करके दिखाती हूँ गाइज़ अगर हम ये फ्रेंजेस वाली चीज़ इग्नोर कर दे जो नेक से हो रही है उसको अगर हम इग्नोर कर दे तो ये बहुत स्मार्ट और बहुत कूल लग रहा है मतलब मेरे इस अटायर के ऊपर ये श्रग ऐसा लग रहा है मेरे लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है इसके फ्रिंजेस कितने क्यूट लग रहे हैं इसका कलर कितना प्यारा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये श्रग लग रहा है और काफ़ी सारे ऐसे स्लीवलेस श्रग होते ही उनका ये है कि मतलब आपके लुक को इन्हेंस कर दो काफ़ी सुंदर लगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कहीं से चुप भी नहीं रहा है मुझे काफ़ी कूल cool लगा तो इस वजह से और जो पिक्चर में दिखाया है जो कलर जो पैटर्न जो लुक है वही आया है तो मेरा तो है थम्स अप मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको ब्लैक एंड ऑफ वाइट प्रिंटेड ओपन फ्रंट लॉन्ग लाइन श्रग हैज स्थ्री क्वार्टर और ये नाम ख़त्म ही नहीं हुआ यहाँ तक मुझे शो हुआ ये है चार सौ दस रुपये का देखते हैं कैसा है इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने मंगवाया है इसका मटेरियल सॉफ्ट है बिल्कुल चुन्नी वाला ही मटेरियल लेकिन फिर भी सॉफ्ट है साइज मैंने स्मॉल ही मंगवाया है देख सकते हो आप इसकी स्लीव्स आपको दो ऐसे वो मिल जाएंगे इसमें ठीक है यार समझ नहीं आ रहा है मटेरियल अच्छा है तो चार सौ रुपये इज़ लाइक वर्थ इट और ये ऐसे थ्री क्वार्टर का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे तीन पार्ट में कटा हुआ है आप समझ पाओ तो इसमें कोई भी ऐसे फ्रंट डोरी वगैरह नहीं है कि आप उसको बांध पाओ इधर उधर कोई डोरी नहीं है किसी भी शक में कोई पॉकेट वॉकेट कुछ भी नहीं है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा ठीक लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा ब्लैक एंड वाइट इज़ लाइक एवर ग्रीन सही लग रहा है वीयर करके देखती हूँ बाकी आपको वीयर करने के बाद अच्छे से लुक पता चल जाएगा कैसा आ रहा है करती हूँ मुझे लगता है स्मॉल साइज मुझे थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा टाइट आ रहा है स्ट्रेचेबल नहीं है और ये फ्रंट बिल्कुल भी ऐसे कवर नहीं करेगा ये ऐसे साइड में ही आपका ये चीज़ ऐसे पड़ी रहेगी ये फ्रंट कवर नहीं करेगा और ना कोई ऐसी uh, कुछ है डोरी वगैरह क्या आप इसे खींच के बांध सको और ये ऐसे तीन पार्ट में आप ये फ्रंट इसका छोटा ये भी छोटा पार्ट है और ये पीछे से है आप देख सकते हो ये कितना लॉन्ग है कैसा है मुझे देखा जाए तो ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइट नहीं ऐसे करने में नॉर्मल है मुझे शोल्डर्स बिल्कुल प्रॉपर शोल्डर की जगह पे है मतलब साइज़ मुझे स्मॉल ही आएगा लेकिन यहाँ से ये चीज़ इन्होंने बहुत छोटी दी है तो ये जो इतनी सुंदर इसकी स्लीव्स हैं ये मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइट है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे एल्बो पे आ रही है तो यहाँ मुड़ रहा है तो ये चीज़ टाइट हो रहा है और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कलर प्रिंट बिल्कुल सेम है लेकिन मुझे साइज़ और फिट में इशू है तो आप देख सकते हो क्या पता ये इशू आपको ना हो नेक्स्ट दिखाती हूँ फिफोन प्रिंटेड श्रग है ये चार सौ तीस रुपये का हमारा आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मतलब उस लड़की ने अपने आप को कैरी किया हुआ मतलब जो मॉडल थी वो पिक्चर काफ़ी सही लग रही है लग रहा है बिल्कुल ऑफिस ऑफिस जाने वाली बेलीज़ है टैंक टॉप के ऊपर ये श्रग वन जीन्स बैग अब यहाँ देखते हुए मैं अभी बता दूँ वाइट कलर के धागे से सिलाई की गई है जो मुझे ऐसे ही बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही उसके बाद मैं इस चीज़ के चार सौ तो बिल्कुल नहीं दे सकती तो यार पहले ही मैं इसको उतने मन से अब नहीं खोलने वाली हूँ वरना मुझे ऐसे प्रिंट्स बहुत पसंद आते हैं ना तो इसका मटेरियल उतना अच्छा है और उसके बाद इन्होंने इसमें सिलाई कर दी है वाइट धागे से ऐसा क्यों किया वाइट धागे से सिलाई क्यों की आपके पास न्यूट बेज स्किन कलर का धागा वागा नहीं था क्या ना बुरा लग रहा है ये देखना और एक बार इस कपड़े का प्रिंट देखो मतलब प्रिंट कितना ज़्यादा सुंदर क्या कलर कॉम्बिनेशन है इतने प्यारे प्रिंट मतलब ना आपको सिलाई कर ही रहे हो तो ढंग की सिलाई कर दो ना सामने वाले को पसंद आ वो रख ले फिर भी बेमन से आपको इसको ट्राई करके दिखा रही हूँ इस टक में जो मेरी पर्सनल खुंदस ना वो सिर्फ स्टिचिंग्स है कि आपने रील थ्रेड स्किन कलर का क्यों यूज़ नहीं किया मतलब यार यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है नहीं वो वाइटी कलर का यूज़ किया है जो बहुत ज़्यादा अलग से दिख रहा है मुझे कुछ ज़्यादा ही अलग से दिख रहा है अगर आप देखो तो और वो बहुत बुरा लग रहा है और हम जितना लाइक like, पैसे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है तो नो फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ विदाउट स्लीव श्रक फॉर गर्ल्स केप shrugs ponchos वन एटी थ्री रुपीज़ का था इसमें चार कलर के ऑप्शन थे मैंने बेसिक वाइट ही मंगाया क्योंकि वाइट मंगाया ही नहीं था अभी तक कुछ भी बेसिक वाइट ब्लैक श्रक जब से ये आए ना तब से मुझे इस बात की चूल है कि इसमें किस बात के लिए ये रिंग सी डली हुई है और ये रिंग क्यों आई है गाइज़ ये श्रक है वाइट कलर का बहुत सॉफ्ट मटेरियल का ये श्रक है फुल इसकी फ्रंट ये ऐसा लॉन्ग लटका रहेगा ये वाला वो बेसिक श्रग है जो हर सिटी में मिलेगा आपको और इनकी कीमत इतनी ही होती है डेढ़ सौ एक सौ अस्सी दो सौ दो सौ बीस ढाई सौ ये वही वाले श्रग है वही वाला मटेरियल है आप पास से देख के समझ पाओगे कि लड़कियां स्कूटी वगैरह भी चलाती हैं तो आपने देखा होगा वो एक श्रग पहनती है ना कि बस इनके हाथ कवर हो जाए ये वही श्रग है बस आपको इसमें फ़्रंट थोड़ा ही लंबा मिल जाएगा ठीक है फॉर स्टाइल और मुझे नहीं पता ये रिंग इसके लिए क्यों आई हैं आई डोंट नो चलो इसको विया करके दिखाती हूँ और साइज़ मैंने स्मॉल ही मंगवाया है एक मिनट में चेक करती हूँ हाँ साइज मैंने स्मॉल ही मंगवाया और बिल्कुल बनियान जैसा इसका कपड़ा है फिर भी मैं इसको वीआर करके आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है गाइज मुझे समझ आ गया उस रिंग का क्या यूज़ था टडा उस रिंग का ये यूज़ था कि आप इस श्रक को इस स्टाइल से पहन सकते हो शक का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है अब आप देखो इसकी स्लीव्स की लेंथ कितनी प्रॉपर आ रही है स्मॉल साइज़ ही मैंने मंगवाया है बहुत सही इसकी लेंथ रही है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है ये फ्रंट से ना दोनों तरफ से इतना लॉन्ग था तो ये जो रिंग दिए हुए ये इसलिए दी हुई कि आप इसको ऐसे पहन सकते हो बैक से भी आप देखो यहाँ तक कि इसकी लेंथ है ठीक है अब मैं ज़रा ये रिंग हटा के भी दिखाती हूँ अगर मैं ये रिंग हटा दूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऐसा कुछ रंग है पूरा कवरी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और बहुत सही है अगर स्कूटी वगैरह चलाना है वाइट श्रक लेना है जिससे गर्मी धूप ऊूप ना लगे तो भी बहुत अच्छा है बैग से आप देख सकते हो ना बहुत लॉन्ग है ना बहुत शॉर्ट है बिल्कुल परफेक्ट इसकी लेंथ है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस वजह से थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ वुमेन ट्रेंडिंग प्रिंटेड शर्क टॉप तीन सौ बारह रुपये का है प्यारा सा रेड कलर का मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ऐसा लग रहा था शॉर्ट कुर्ती है क्योंकि मैं शॉर्ट कुर्ती का हॉल प्लान कर रही हूँ और ये मुझे श्रग वाले ऑप्शन में दिखी तो मेरा मन कर गया कि मैं इसको मंगवाती हूँ अभी तक तो देखने में सेम लग रही है कपड़ा लाइक मटीरियल काफ़ी ठीक है सी ऊपर प्रिंट है और स्लीव्स में आप देख सकते हो थोड़ी गोटा पट्टी लगी हुई है राउंड नेक है बैक से भी आप देख सकते हो कैसा है फ्रंट आपको पहले ऊपर एक बटन मिलेगा ठीक है उस बटन को अगर मैं खोलूं, फिर उसके बाद ये धागा की डोरी ये लेकिन कितना क्यूट लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन कितना क्यूट है रेड कलर का काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस तीन सौ साढ़े तीन सौ के बीच में आई है बहुत सुंदर लग रहा है वीअर करके और अच्छे से बता बताती हूँ क्लोथ मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है गाइस व्हाट आई फील साइज तो परफेक्ट है लेकिन इनको ना एक बटन यहाँ पे भी देना चाहिए था क्योंकि अगर आप देखो शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर की जगह पर है स्लीव्स की लेंथ स्लीव्स का फिट मुझे परफेक्ट है यहाँ से भी ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट है और ये बांधने वाला तो लूज़ है ही क्योंकि इसका स्टाइल वैसा है अब क्या है ये यहाँ बन गया है यहाँ बन गया ये बीच से ऐसे ओपन हो जा रहा है अगर एक बटन यहाँ पर भी होता ठीक है तो देखो ये इसका फिट रहता ये इसका पूरा लुक रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता अभी ये ऐसे हो जा रहा है अब इसमें बटन नहीं है तो शायद मुझे एम पे जाना पड़ेगा तब ये सुंदर लगेगा नहीं तो कलर कॉम्बिनेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है आप ये देखो ना हाथ में ये जो छो थोड़ी सी डिटेलिंग है गोटा पट्टी लगी हुई है ये कितनी अच्छी लग रही है नेक आप देख सकते हो बटन है फिर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बांधने वाला इसमें भी आपको थोड़ी लटकन मिल जाएगी पीछे आप देख सकते हो पीछे से कैसा लगेगा इसकी लेंथ कितनी है वो भी आप देखो ठीक लग रहा है मुझे बस साइज़ वाला थोड़ा इशू लगा आप उसको साइज अप कर सकते हो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ अब आती है हमारी बिल्कुल बेसिक देसी प्योर कॉटन पॉकेट श्रग जो दो सौ का है ये वो श्रग है जो बहुत ही बेसिक है हर किसी के पास और हर किसी ने पहना तो पक्का ही होगा एक ना एक बारी तो इसका मटेरियल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो वाइट वाला था स्मॉल साइज़ का ये श्रग है इसमें बस आपको यहाँ पे आगे पॉकेट मिल जाएंगी ठीक है और ये फुल स्लीव्स है और मुझे लगता है मुझे बिल्कुल फिटेड और छोटा ना हो लेंथ में ज़्यादा लंबा नहीं है बिल्कुल बेसिक श्रग है ये दो सौ का काफ़ी मुझे लगता है आप लोग की सिटीज़ में इसकी भी काफ़ी वाइटीज़ और काफ़ी रेंज भी मिलती होंगी लेकिन मीशो पर जो ये बेसिक वाला श्रग है वो है ये अगर आप मीशो से मंगवाना चाहते हो मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं चाहती थी कि जिन लोग को बेसिक श्रक चाहिए उनको भी पता चल जाए कि लाइक बेसिक श्रक की कैसी क्वालिटी रहती है क्या फ़िट रहता है किस साइज़ पर उनको जाना चाहिए तो मैंने इसलिए मंगवाया ये स्मॉल साइज़ है, है। वियर करके और अच्छे से आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ ये है हमारा बेसिक ब्लैक श्रग स्लीव्स मुझे इसकी छोटी लग रही है आप देख सकते हो कहाँ तक की मुझे इसकी स्लीव्स आ रही हैं ऐसे करने पे स्कूटी चलाऊंगी तो ये तो ऊपर चढ़ जाएगी शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं तो शायद अगर ऐसे एम में जाऊंगी शोल्डर्स थोड़े लटक जाएंगे तो स्लीव्स लंबी हो जाएगी उतना मज़ा वाला फिट नहीं आएगा और आप देख सकते हो ये है इसकी पॉकेट ठीक है कहाँ इसकी पॉकेट आ रही हैं श्रग कितना लंबा है आप वो देख सकते हो ठीक है मटेरियल ठीक है सॉफ्ट है और फ्रंट ये पूरा ऐसे बंद नहीं होगा लाइक ऐसा ही पड़ा रहेगा जैसे श्रग्स होते हैं वैसे ही ओके okay लग रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा स्लीव्स का डाउट हो पता नहीं धोने के बाद अगर ये थोड़ा और श्रिंक हो गया तो फिर छोटा हो जाएगा ना तो आपको डबल साइज एप अगर मैं एस हूँ तो एम एल मुझे लेना पड़ेगा या मैं एम हूँ तो मुझे एक्सेल लेना पड़ेगा क्या ये कन्फ्यूजन हो गई है मुझे तो मुझे समझ नहीं और रहा मुझे जहाँ तक लगता है ये श्रग्स वग़ैरह श्रिंक होते ही हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी रिकमेंड करूँगी कि आप साइज़ अप पे ही जाना बाकी तो ठीक ठाक ही है ये श्रग नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस ये वाला जो श्रग है ना इसकी पिक्चर में इतनी देर से स्क्रॉल कर रही थी मुझे मिली ही नहीं देन मुझे पता चला कि मैंने जो मंगवाया था वो कलर था ग्रीन इन्होंने मुझे भेज दिया है मरून ये वन एटी एट रुपीज़ का श्रग है स्लीवलेस स्टाइलिश आप पिक्चर में देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है मैंने ये सेकेंड वाला ग्रीन मंगवाया था उन्होंने ये फर्स्ट वाला रेड मुझे दे दिया है पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया उनके पास ग्रीन नहीं होगा तो उन्होंने सोचा रेड ही भेज देते हैं आप देखो ये पूरे इसमें फ्रेंजेस वगैरह भी हैं काफ़ी स्टाइलिश है ये श्रग और आप देखो ये बना भी कैसे होगा कि इतने से पीस में ये कटआउट कटआउट दिए हैं यहाँ से आप अपनी स्लीव्स आ, ये आपकी स्लीव्स हैं स्लीव्स भी क्या <laughs> ये आपका स्लीवलेस है यहाँ से आप अपने हाथ निकालो और बस आप इस श्रग को पहन सकते हो या ये इतना स्टाइलिश कटआउट वाला श्रग है और नीचे से इसमें ये है मटीरियल तो बिल्कुल ओके मटीरियल ठीक है मटीरियल में कोई कमी नहीं है कटआउट बिल्कुल मशीन से हुए हैं सब कुछ मशीन से हुआ हुआ है इसमें वाह क्या श्रक है वन एटी एट रूपीज़ का वैया क्या आती हूँ तब आप इसका देख सकते हो लुक और डिज़ाइन लेकिन ठीक लग रहा है आपके आउटफिट को ये काफ़ी इसको पहन के आप अपना आउटफिट थोड़ा और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो चलो भैया करती हूँ गाइज इस क्लोथ में जितने भी ये कट आउट है ना ये मशीन वाले कटआउट है ये इतने ज़्यादा चुभ रहे हैं ना मुझे पूरा लाइक ये चीज़ इतना चुभ रही है ना मेरे को लाइक ये वाला कटआउट भी ना मशीन कटआउट है तो ये इतना हार्ड है ना ये मुझे लग रहा है तो लिटरली स्किन पे चुभ रहा है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इसको पहनना कहीं से भी ये चीज़ भी अगर मेरे हाथ इस पर लग रहा है ना वो गॉड ये कितना ज़्यादा मतलब मैं खुजली मिटा लूँ इससे इतना ज़्यादा वो है ये कड़कड़ शार्प ऐसे ऐसे करके आ मेरी स्किन ख़राब अब नो सुंदरता लग गई लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है यार पहनने में आप इसका लुक देखो लुक में शायद अच्छा लग रहा हो स्मार्ट लग रहा हो लेकिन ये इतना चुभेगा तो कैसे पहनेंगे इसको अनो फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ वुमेन श्रक है ये एक स्टाइलेस स्टाइलेस स्टाई स्टेलेस स्टेलेस समझ रहे हो चार सौ तीन रुपये का है सॉरी मैं पढ़ ही नहीं पाई कि वो लिखा क्या है चार कलर में थे वाइट ग्रीन वाइट पिंकिश वाइट ब्लू वाइट ऑरेंजिश या बेज तो मैंने वाइट ब्लू कलर का मंगवाया चार सौ तीन रुपये का स्मॉल साइज़ का काफ़ी लॉन्ग था अरे बहुत ही गंदा मटीरियल है अच्छी ये रीज़न था इतने शख्स मंगवाएगा क्योंकि आई वॉज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे इसमें से बहुत ही कम ऑप्शंस मिलने वाले हैं समझ रहे हो आप मेरी बात भाई ये मटेरियल मुझे छूने में अच्छा नहीं लग रहा है सॉरी मैंने फ़र्स्ट रिएक्शन ऐसे दिया लेकिन ये श्रग है पूरा आप देख सकते हो ये इसकी बेल स्लीव्स हैं फ्रंट से ये बंदेगा और कहीं से ये थ्री क्वार्टर वाला सीन नहीं है इसमें ये पूरा जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बल्कि एक्स्ट्रा ऐसे कपड़ा दिया हुआ है जिससे नीचे आपको एक्स्ट्रा घेर मिल जाए और बस मुझे यही कहना है कि अगर ये थोड़ा कॉटन में होता या आई डोंट नो ये मुझे अभी छूने में बहुत बुरा लग रहा है पहनने के बाद मैं बताती हूँ क्या पता उतना बुरा ना लगे क्या पता मैं अपने ही वर्ड से हट जाऊँ इसको पहनने के बाद ठीक है ऐसा हो सकता है वो मेरा फ़र्स्ट इंप्रेशन था कि मैंने ऐसा लगा कि मैंने क्या छू लिया है कड़कड़ चलो भैया करके आती हूँ ये श्रक का मटेरियल उतना अच्छा नहीं है आपको गर्मी लगेगी एंड इसमें जब मैंने खोला तब तो मैंने देखा ये यहाँ से पूरा इसका एक तरफ से उखड़ा हुआ भी आपस में बंधा हुआ था लेकिन एक तरफ से उखड़ा हुआ है और ये इसका लुक कुछ ऐसा है आप नीचे से देख सकते फ्लेड हो फ्लेट है हुआ क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी की है इन्होंने लुक अच्छा देने की कोशिश की है स्लीव्स भी देखो कितनी अच्छी लगी लेकिन अगेन वही कपड़ा लाइक क्लोथ मटेरियल इतना अच्छा इन्होंने यूज़ नहीं किया है आप बैक से देख सकते हो क्या इसका पूरा लुक है कैसा ये लग रहा है मुझे मटेरियल से थोड़े ज़्यादा इशू हो रहे हैं बाकी लुक एंड फिट आप देख सकते हो और या ऐसा है ये हम्म मैं इसके बारे में क्या बोलूँ इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है सी मतलब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है मैं जब इसको प्राइस से कंपेयर करूँ ना तब मुझे लग रहा है कि लाइक हम कुछ अच्छा हमें पा सकते हैं हमें मिल सकता है इस प्राइस में अच्छा तो क्यों हम फिर इसमें एडजस्ट करें इस क्लोथ में चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ लास्ट श्रग ऑफ द हॉल क्लासी फैशनेबल वुमेन केप श्रग्स एंड पोचो भाई ये टू टू सिक्सटी फाइव रुपीज़ का है मतलब ढाई सौ रुपये का बोल सकते हो ये नेट का है इसमें काफी सारे कलर ऑप्शन है स्काई ब्लू मस्टर्ड ब्लैक रेड एंड वाइट मैंने रेड मंगवाया है क्योंकि ये रेड पूरा का पूरा रेड था स्काई ब्लू वाले में अगर आप देखो तो ब्लैक कलर की पाइपिंग दे दी थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी मस्टर्ड में भी पाइपिंग ब्लैक दे दी थी इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी रेड वाला रेड वाला मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि पूरा पूरा रेड था बोल बोल के थक गई हूँ भाई मैं कितना बोलती हूँ तुम्हें आ हाँ हाँ क्या स्मूद नेट है मतलब मैं लाइक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना कपड़ों का छू के मजा आ जाए ये वैसा है मतलब आई डोंट नो ये पहन के ऐसा लगे लेकिन बहुत प्यारा और बहुत स्मूथ इसका नेट है कि मज़ा ही आ जाएगा आपको इसको पहन के इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस है आप देख सकते हो आपको जिसपे जाना है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है और ये क्रॉप टाइप का है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा और फ्रंट आप इसको यहाँ बांध सकते हो खोल भी सकते हो चलो इसको भी अगर क्या आती हूँ फिर कुछ बताती हूँ सी गाइज ये कितना ज़्यादा क्यू टू सा रेड कलर का श्रग लग रहा है इसकी आप लेंथ देख सकते हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है क्रॉप इसकी लेंथ है स्लीव्स की लेंथ देख सकते हो मटेरियल सॉफ्ट है नेट मुझे कहीं से भी नहीं चुभ रहा है रेड कलर प्यारा सा लग रहा है क्यूट सा लग रहा है मुझे काफ़ी पसंद आया ये और अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी काफ़ी अच्छा है तो आप इसको देख सकते हो अगर आपके विश लिस्ट में है तो आप इसको बाय कर सकते हो क्योंकि मेरी तरफ से तो थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ सो so गाइज ये थे मेरे 16 श्रग्स फ्रॉम मीशो 17 नहीं है काउंट में थोड़ा दिक्कत हुई वो एक अलग पैकेट इसमें आ गया था ये तेरे मेरे 16 श्रग्स और जो एक नहीं आया वो भी मैंने आपको दिखा दिया अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि लाइक मीशो की श्रग कैटेगरीज में किस किस वैरायटी के कैसे कैसे श्रग्स आपको मिलेंगे आप किस साइज किस तरह के श्रग आप ले सकते हो लेना चाहते हो आपको बहुत आइडिया हो ही गया होगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसे लगी जैसा आप करते हो हमेशा से बस वही चीज़ मैं आपको करने को बोल रही हूँ और प्लीज़ मुझे बताना कि आप नेक्स्ट क्या कैटेगरी देखना चाहते हो और आपको मेरी शक वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी ये वीडियो बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी ये वीडियो की जिसमें मैंने इतने ज़्यादा ऑप्शंस मंगवाए होंगे आप सबके लिए खुद के लिए तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी प्यार करते रहिए मैं यहाँ बैठती आप सबका प्यार बटोरने के लिए चलो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज बाय बाय आई लव अलव्या